हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और दोस्तों, अभी शाम का टाइम हो रहा है और दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, चैनल में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग को पसंद है तभी देखिएगा, वरना इसके भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉन वेज हर किसी को पसंद नहीं होता। तो जिन लोगों को पसंद है, जो लोग खाते हैं वही बताइएगा, वही देखिएगा, वरना स्किप कर सकते हैं। और देख सकते हैं वहाँ पे एक चिकन है और प्याज रखा हुआ है और कड़ी पत्ता है। तो इसको मैं बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत दिन बाद, क्योंकि मैं कभी कभी खा लेती हूँ चिकन ऐसे, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, पर कभी कभी खाती हूँ। तो थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ा सा ही आया है, इसमें तीन लोगों को खाना है, ज़्यादा नहीं। तो देख सकते आप लोग, इसमें तीन लोग आसानी से थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा खाना नहीं खाते, नॉन वेज हम लोग को पसंद है। और मैं कढ़ाई पर रखी थी, मैं कढ़ाई चढ़ा दूंगी। प्याज वगैरह कट चुका है, कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। और दोस्तों, मैं अभी जा रही हूँ बादाम सेकूँगी, क्योंकि मुझे भूख लग गई है बहुत तेज। तो थोड़ा सा खा लूँगी, क्योंकि खाना भी तो एक घंटा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए मैं क्या खाऊँगी आप लोग को दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, ये सेक है, बादाम सेक। तो फिलहाल मैं यही खा लेती हूँ, उसके बाद, क्योंकि भूख बहुत तेज लग चुके है, तो फिलहाल मैं यही खाऊंगी। तो कढ़ाई भी गर्म हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिए ब्लॉग में, ऐसे ही मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। तब तक ले जुड़े रहिए, बने रहिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं प्याज गल चुका है अच्छे से, इसमें मैं अब चिकन के डाल दे रही हूँ। देख सकते दोस्तों, मैं इसमें मसाला वगैरह डाल दी और मसाला बहुत अच्छे से भुना चुका है।
तो दोस्तों फाइनली मैं चिकन बना चुकी हूँ और चिकन बनकर रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। तो देखा दोस्तों कितनी कम समय में चिकन पकने में उतना टाइम नहीं लगता है। मटन को मटन टाइम लगता है उसमें, मटन क्योंकि वो सख्त होता है तो इस वजह से उसमें टाइम लगता है, और चिकन में तो भूनते भूनते ही पक जाता है, बस थोड़ा सा पानी डाल दो और हो गया उसका काम ख़त्म। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाऊँगी, क्योंकि मैं इसमें ग्रेवी थोड़ा कमी की हूँ इसीलिए रोटी बनाऊँगी। तो दोस्तों इस वीडियो की यहीं तक रहने देते हैं, और आशा है छोटा सा वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को पूरा इन तक देखना दोस्तों, क्योंकि मेरा छोटा सा वीडियो है, कोई बड़ा है नहीं। तो क्योंकि आप वीडियो देखोगे तब तो मुझे बताओगे कैसा मैं बनाती हूँ वीडियो, कैसा नहीं बनाती हूँ, तभी तो मुझे पता चलेगा। और ये मैं हर वीडियो में आप लोग को बताती हूँ, तो दोस्तों अभी शाम मतलब 9:30 हो चुके हैं और मैं जा रही हूँ रोटी बनाऊँगी, क्योंकि 10-15 मिनट उसमें भी लग जाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर और शुभ रात्रि। और उम्मीद है आप लोग के वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और जाते जाते एक बार और कहना चाहती हूँ आप लोग से, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।